अब बात तो सुन लो, आप जा रहे हैं अंदर मॉल में, ठीक है, लेकिन टॉयज को ना लिमिट में लेना, समझ आ गई? मगर हाइदा पी, चुप कर जाओ, कोई मगर वगर नहीं, जो मैं बात कह रही हूँ बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, समझ आई? ठीक है हाइदा पी। चलो अब चलो अब आगे देखो तुम्हें क्या चाहिए। चलो देखो अब क्या चाहिए। अच्छा तो है, लेकिन इसे पकड़ लो, शायद कुछ और पसंद आ जाए, इसके अंदर बहुत कम चीजें हैं। ये देखो जैसे ये हो गए बेबी शार्क वाला। नहीं बेबी शार्क नहीं लेना, कितना प्यारा है ये, तो लेगो है। हाँ लेगो है मगर है तो कितना प्यारा, और हाँ। ये भी तो देखो कितना प्यारा है। ओह ये तो भी देखो किसी ने इतने रखा। चलो आगे देखते हैं, ठीक है। मायदा तुमने क्या लिया? ये कितना प्यारा है। हाँ ऐसी चीजें लो जैसे ये डॉल हाउस है, कितना प्यारा है, और इसमें देखो कितनी चीजें, वो देखो सोफा है, वो लड़की कितनी ज्यादा है, डॉल्स कितनी ज्यादा है। ये तो एक छोटा सा 288 पीस है इसके अंदर, देखो। हाँ वो देखो, और इसमें देखो कितने कम है पीसेस, अजीब सी चीज होती है। चलो अब तो मैं पसंद करूंगी क्या लेना है मुझे। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, मैं तो ये लूंगी, और ये मुझे नहीं चाहिए। दिखाओ दिखाओ तो सही पहले मुझे। ये देखिए हाइदा पी कितना प्यारा है, इसकी फ्रंट दिखाते हैं। ये देखिए, ओ ये तो एल्सा है, देखो एल्सा कितना प्यारा लग रहा है ना मायदा। और ये मैं अपने हाथों से खुद ही बनाऊंगी। अच्छा ठीक है बना लेना, मैं लूंगी, देखती हूँ मैं। ज़ैनब को देखो, यहाँ तो सारे बच्चों वाले हैं, हमेशा मेरी चीज को। अरे वाह मायदा ये देखो वॉकी टॉकी दिखाए हाइदा पे। वॉकी टॉकी का क्या करोगी आप? नहीं मैं वॉकी टॉकी लूंगी, एक मायदा को दूंगी, एक खुद लूंगी। और मायदा जब मैं इस पे तुम्हें कहूंगी ना तो तुमने ऊपर आना है, ओके? तुम्हें पता है कहाँ कहाँ यूज होते हैं? ये आउटसाइड पे यूज होते हैं, फ्लोर्स, होटल, वहाँ पे यूज होते हैं, ठीक है? हम दोनों लेके जाएंगे। मुझे पता है हाइदा पी। और इसके अंदर दो है, ठीक है, एक ही काफी है, आ जाओ चले। मायदा ये मुझे पकड़ाओ और जाके ना ट्रॉली लेके आओ, ठीक है? इसे हाथों में लेके थोड़ा ना हम फिरेंगे, कितना भारी है। ठीक है हाइदा पी मैं जा रही हूँ। इधर रुको जैनब, जल्दी आओ भाई, आओ मेरे साथ। उफ पकड़ पकड़ के थक गए हैं, पता नहीं कितनी देर लगाएगी। ये ले हाइदा भी मैं ले आई। अरे मायदा तुम आ गई, चलो हाइदा भी इसमें रखे ना। 10 घंटे लगा के आई हो, मिले इतनी मुश्किल से थी, मैं क्या करूं? मैं भी रखी हूं। मिली इतनी मुश्किल से थी, इतनी ढेर पड़ी होती है तो मैं नहीं मिलती। चलो आप आगे चलो चलो। मुझे ये स्लाइम मशीन चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए डॉल हाउस, मुझे ये चाहिए स्लाइम मशीन। ये स्लाइम मशीन ये बच्चों वाली है, ये नहीं सही होती। तो मैं भी तो बच्ची हूँ। नहीं ये मत लो जैनब, ये बहुत छोटे बच्चों के लिए होती है, ये रख लो। नहीं हाँ मुझे चाहिए। नहीं जैनब ये सही नहीं होती, क्यों जिद करती हो? मुझे ये लेनी है। अच्छा जैनब रो मत, मैं देखती हूँ, मुझे ना जरा इसकी प्राइस देखने दो। सैनब इतनी महंगी है ये, मैंने मॉल में आने से पहले कह दिया था, तो समझ नहीं आती आपको? बस वो ले लिया वही काफी है। और तुम भी मायदा चलो अब मेरे साथ, अब ज्यादा जिद नहीं, चलो अब। हाय दपी अगर आप मुझे वो नहीं लेके देंगे तो मैं वो भी नहीं लूंगी। है? क्या कह रही हो? मैं नहीं जा रही आपके साथ, मैं यहाँ पर ही रहूंगी। मायदा जरा इसको समझाओ, इसे समझ नहीं आती ना। चुप करके जैनब चलो मेरे साथ, ठीक है? कोई वो वाला खिलौना नहीं लेना। चलो नहीं हैदर, मैं आपसे नाराज हूँ, मैं जा रही हूँ।
कुछ भी नहीं लेके देती हैं मुझे। अब हायदा पी देखे नाराज होकर चली गई, मुझे वो वाली लेनी है। देखे हायदा पी क्या करूं अब मैं, मेरे पास इतने पैसे तो है नहीं, इतनी महंगी है वो, उसे भी समझ नहीं आती, नाराज होकर चली गई है। हायदा पी आप उसे लेके क्यों आई है, ना लाती अच्छा होता। जाओ मायदा अब तुम उसे समझा कर आओ, शायद तुम्हारी बात ही मान जाए, मुझ पे तो उसको इतना गुस्सा है। जाओ जल्दी। अच्छा हायदा पी ये ट्रॉली का ध्यान रखे, मैं उसे लेके आई। जल्दी आना अब, ठीक है। ट्रॉली तो इधर करूं, इसका वेट करना पड़ेगा। हायदा पी भी मायदे पी की तरह बन गई है, मुझे कोई चीज नहीं लेके देती। वो रीजन जैनब क्या हो गया आपको, आप कोई छोटी बच्ची हो जो ऐसी बातें कर रही हो कि मुझे यही वाला चाहिए यही वाला चाहिए। हायदा पी ने कहा था ना कि कोई चीज ऐसी नहीं करनी कि मुझे यही वाला चाहिए जो चीज महंगी हो, और आपने वादा भी किया था, अपना वादा निभाओ। नहीं मायदा पी मुझे वही चीज लाई मशीन। अभी आप मेरे साथ चलो, एक दो दिन बाद हम लोग ले लेंगे, नाराज मत हो। चलो अब चलो चलो। नहीं मायदा पी मैं नहीं जाऊंगी, आप अपनी चीज ले, जब घर जाना आएगा तब भी मैं यहाँ पर ही रहूंगी। ठीक है भाई, फिर मैं हायदा पी को जाके कहती हूँ कि वो नहीं आ रही। बाय। 10 घंटे तो मायदा लगा के आती है, बैग ही देख ले बंदा। ये तो सारे बच्चों वाले बैग हैं। हाँ ये अच्छे हैं, पिंक वाला कितना प्यारा है, इसके अंदर कितनी ज़्यादा चीज़ें हैं। अरे वाह, रेड वाला भी बहुत प्यारा है, ये ग्रे तो बहुत ही प्यारा है, ये सही अच्छा बड़ा बैग है। अरे है निकल नहीं रहा। ये बहुत अच्छा है। हायदा पी जैनब कह रही है वो नहीं आएगी, जब तक हम लोग घर जाएंगे तब आएगी वो। अरे मायदा तुम्हें समझाना चाहिए था ना। हायदा पे मैंने उसे बार बार समझाया, वो सुनती नहीं है मेरी बात, कहती नहीं मैं वही लूंगी वही लूंगी। मैंने कहा एक दो दिन बाद ले लेंगे, कहती नहीं मैंने वही लेना है। फिर तो एक ही काम हो सकता है, ऐसा करती हूँ अपना मोबाइल में मोल वाले अंकल को दे देती हूँ कि मैं आपको 3 दिन बाद दे दूंगी पैसे, जैनब का गिफ्ट उसको दे देते हैं, खुश हो जाएगी वो। हायदा पी आपके मोबाइल से भरकर उसका खिलौना नहीं है, वो घर जाके खुद ही ठीक हो जाएगी। नहीं मायदा मुझे ये बताओ अंकल वहाँ पे खड़े हैं या नहीं। जी हायदा पी खड़े हैं। खड़े हैं ना, चलो मेरे साथ उनके पास चलते हैं, अपना मोबाइल में दूंगी। चलो, चलो। नहीं हायदा पी नहीं नहीं रहने देना। नहीं वो मुझसे नाराज है। चलो हायदा पी कहाँ है सिलाई मशीन। हायदा पी रहने देनो। चुप कर जाओ मायदा, मुझे लेने दो बस, ये रही सिलाई मशीन। बस चलो मेरे साथ। हायदा पी चुप। आओ कहाँ है अंकल। अरे वो रहे अंकल, चलो मेरे साथ। अंकल अंकल। जी बेटा क्या हुआ। अंकल हमें जरा सा ना ये खिलौना चाहिए, मायदा जरा निकालो, हमें ना ये खिलौना चाहिए और इतने हमारे पास पैसे नहीं है, ऐसा करें आप ये मेरा मोबाइल रख लें तो हम 3 दिन बाद आके आपसे ले लेंगे, हम आपको पैसे देंगे आप हमें दे देना। ठीक है कोई बात नहीं बेटा, आप अपना मोबाइल दे दें फिर मुझे, और जब पैसे देंगे तो मोबाइल अपना ले जाना। ये ले अंकल। ठीक है बेटा, और आप पैसे दे देना तो मोबाइल ले जाना अपना। ठीक है। वाह मोबाइल तो नया है एकदम। हायदा पी वो आपके मोबाइल के साथ कुछ ना कुछ कर देंगे, ले लें वापस। मायदा रहने दो, जैनब की खुशी के लिए मुझे लेनी पड़ेगी। चलो अब जैनब को दें। चलो रख दें उसमें। मायदा कहाँ थी। हायदा पी वो कहाँ खड़ी हुई थी। चलो खड़ी भी उधर ही, आ जाओ हायदा पी। चलो ये खड़ी। अरे जैनब रो मत, ये देखो मैं आपके लिए ले आई।
ये वो स्लाइम मशीन है ना जो मैंने पसंद की थी। हाँ हाँ हाय देवी, बहुत थैंक यू, आप बहुत अच्छी बहन है मेरी। थैंक यू सो मच, कोई बात नहीं, चलो अब चलते हैं हम लोग। अच्छा मैंने आपसे एक बात करनी है, आप बहुत अच्छी, मैं पहले समझी थी आप मायदा की तरह बन गई, माँ आप तो वैसे की वैसे ही हैं। थैंक यू आयदा, सो सो थैंक यू। कोई बात नहीं ज़ैनब, आप चलो घर चले। ज़ैनब आपको पता है हायदा पे ने ना अपना मोबाइल अंकल को दे दिया आपकी सिलाई मशीन लेने के लिए। मोबाइल अपना? हाँ जी मोबाइल। वो क्यों? अभी तो बताया तुम्हारी सिलाई मशीन के लिए, तुम्हारे लिए, तुम जो नाराज हो गए थे ना मैं नहीं घर जाऊंगी, इसलिए वो उन्हें अपना मोबाइल दे दिया अंकल को। क्या हायदा ने मेरे लिए ऐसा किया? जी, और एक और बात, मुझे ना अंकल पे शक हो रहा है, वो हायदा पे के मोबाइल के साथ कुछ कर देंगे। कर अंकल, मुझे सिलाई मशीन नहीं चाहिए, मैं हायदा का उनका मोबाइल वापस करूंगी। उधर खड़े आ रहे हैं नजर, वो देखो। मैं भी जाती हूँ उनके पास। मोबाइल तो एकदम नया है ना, इनके पास पैसे होने, बाद में मोबाइल तो मेरा ही होना है। अंकल जी बेटा, कल ये खिलौना आप अपने पास रखे और मेरी बहन का मोबाइल मुझे वापस दे। अच्छा आपने लेना नहीं, आपकी बहन कह रही थी आपने लेना ये। नहीं नहीं अंकल, मेरी बहन का मोबाइल मुझे वापस करें, मुझे नहीं चाहिए खिलौना। कोई बात नहीं, नहीं चाहिए तो ये लो पकड़ो फिर मोबाइल, ये लो दे ना अंकल। ठीक है जाओ अब। जी जी मैं जा रही हूँ। जा जाओ, देखो खराब तो नहीं हो गया। एक बहन चीज लेती है और दूसरी बहन वापस कराने आ जाती, अच्छा खासा मोबाइल आया तो वो भी जाता रहा। अरे कहाँ रह गई हैं, इतनी देर लगा दी है। अरे मायदा कहाँ रह गए थे, 10 घंटे लगा के आ रही हो, कहाँ है ज़ैनब? हायदा पी अभी आ जाएगी, इधर ही है। अब क्या लेने चली गई है वो? वो देखे आ रही है एक चीज लेके। हाय दापी, ये देखिए आपका मोबाइल वापस ले आई मैं। मोबाइल? और आप ये क्यों लेके आई हो? हाय दापी, मुझे ऐसे ही गिफ्ट नहीं चाहिए जो मेरी बहन की कोई चीज चली जाए। अरे कोई बात नहीं, 3 दिन बाद मैंने ले आना था वापस, रहने देती उधर। नहीं हाय दापी, 3 दिन बाद आपका मोबाइल नहीं मिलना था, इतने प्यार से पापा ने आपको लेके दिया। ज़ैनब कह तो आप ठीक रही हो, चलो अब घर चलते हैं, मैं आपको 3 दिन बाद वो मशीन लाजम लेके दूंगी, ठीक है? मेरा आपका प्रॉमिस है, ओके? चलो। Thank you.